एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका एम सॉल्यूशन चैनल पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ में कैसे आप 100 में 100 मार्क लाएंगे। इन टॉपिक पर तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं। तो आप यदि गुमराह होते होते रह जाओगे जनवरी फरवरी तक, तो आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे, आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आपके पास भी सेंस है, आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो, हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपके पास सेंस है। आप टीचर के पढ़ाने की क्वालिटी देख करके ये जान सकते हो कि कौन टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर आपको बेस्ट एजुकेशन दे सकता है, कौन सा टीचर आपको बढ़िया से गाइड कर सकता है। आप उसके पढ़ाने की क्वालिटी देख करके जज कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई कह रहा कि मेरे चैनल पर आओ, मैं सब कुछ फ्री दे रहा हूँ, यहीं पर दिन रात वॉच करो, दिन रात टाइम बिताओ। तो भाई फ्री दे रहा है तो पता नहीं क्या क्वालिटी है, ये तो आप जज करोगे तो जानोगे। और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको मात्र 500 में 6 सब्जेक्ट दे रहे हैं, कि 6 सब्जेक्ट का वीडियो देंगे, पीडीएफ देंगे, नोट्स देंगे, मतलब वो आपको इतना दे देंगे कि उतना किताब कॉपी तो आप खरीदे नहीं होंगे पढ़ने के लिए। तो जब वो इतना दे देंगे तो आप उसमें क्या पढ़ोगे? आपके पास तो बुक है, विद्या विकास की गाइडें होंगी, क्वेश्चन बैंक होगा, आप टीचर से पढ़ते होंगे, आपके स्कूल के टीचर या आपके कोचिंग के टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे, तो एक नोट्स भी बनवाए होंगे, आपके पास नोट्स भी होगा, मतलब कॉपी बनती है ना कोचिंग में स्कूल में, वो आपके पास है। वही चीज़ कोई आपको उसका फ़ोटो खींच दे और व्हाट्सएप पर भेज दे, या उसका फ़ोटो कॉपी करके आपके घर भेज दे, कह दे कि आप 500 रुपया दे दीजिए, तो क्या फ़ायदा पाओगे? उन चीज़ों को ले करके क्या फ़ायदा पाओगे जो चीज़ आपके पास पहले से ऑलरेडी मौजूद हैं? क्यों कोई ये नहीं बताता कि बेटा कितना क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, कितना क्वेश्चन पढ़ना है और कैसे पढ़ना है? ये आपको कोई नहीं बताएगा, बस ये बताएगा भैया मेरे पास आओ, 500 रुपये में 5 विषय का पीडीएफ ले लो, वीडियो ले लो, फ़ोटो कॉपी ले लो, अपने घर पे ले आ करके इतना ऊंचा गाँच करके बैठो, वो भी आपके सामने एक समस्या बन जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके पास किताब है, आपके पास कॉपी है, नोट्स है, आपके पास टाइम है, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि आप कैसे तैयारी करोगे कि सारे सब्जेक्ट तैयार भी हो जाएंगे। और जो मैथ और फिजिक्स है, एक दो ऐसे विषय हैं जिसमें 100 में 100 मार्क बहुत सारे बच्चे बहुत बार ला चुके हैं, बाकी सब्जेक्ट में 100 में 100 बहुत मुश्किल से कहीं लाखों में एक आध स्टूडेंट लाते हैं, लेकिन जो फिजिक्स और मैथ है इसमें तो 100 में 100 लगभग हर 1000 छात्रों में से 1-2 छात्र तो ला ही देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास सेंस है, आप अपना दिमाग लगाइए, 10 लोगों 20 लोगों का जितने लोग हैं पढ़ाने वाले यूट्यूब पर सबका वीडियो देखिए और एनालाइज कीजिए कि कौन टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है। जो अच्छे से पढ़ा रहा होगा वही आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा, वही आपकी तैयारी बेहतर करवा पाएगा, वही आपके एग्ज़ाम के दिन तक आपका साथ दे पाएगा। बाकी केवल बिजनेस करने वाले लोग बस आपसे पैसा लेने के बाद आप पर ध्यान देना छोड़ देंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सही जगह पर पढ़ें, सही लोगों से पेड क्लास ज्वाइन करें, सही लोगों को अपनी फीस दें और एक अच्छा मटेरियल प्राप्त करें और एक अच्छा गाइडलाइन प्राप्त करें। बस इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था और अब तक मुझे यही बात पहचानी थी। अगर मुझे लगेगा कि चीज़ें और गड़बड़ हो रही हैं तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर से नए लोगों को हम अलर्ट करेंगे, आपको दोबारा हम समझाना चाहेंगे कि आप गलत जगह पर मत पेट करा लीजिए, सही जगह पर लीजिए, स्पेशलिस्ट से पढ़िए। एक टीचर यदि 5 विषय 6 विषय 4 विषय 3 विषय पढ़ाता है तो वो क्या पढ़ाएगा आपको? वो केवल लपेटेगा आपको, केवल लपेटेगा। आप ज़रा एक बात सोच के देखो, आपके स्कूल में इंटर कॉलेज में एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर होगा, फिजिक्स पढ़ाने वाले सर केवल फिजिक्स पढ़ाते होंगे, मैथ वाले मैथ पढ़ाते होंगे, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे। अगर आप सरकारी विद्यालय में पढ़ते होंगे तो सरकार का यही रूल होता है कि एक टीचर एक ही विषय पढ़ाएगा। क्यों? इसके पीछे रीजन है,
इसके पीछे रीज़न ये है कि जब बीएससी करने के बाद एमएससी होता है स्पेशल, एक विषय से लोग मास्टर बनते हैं तो एक ही विषय लेना होता है एमएससी में। एमएससी का मतलब होता है मास्टर ऑफ साइंस। तो जब आप मास्टर बनते हो किसी विषय के तो आपको एक सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना होता है और आपको उसी सब्जेक्ट का टीचर बनना होता है यदि आप टीचिंग लाइन में जाते हो तो ऐसे में सोच लीजिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तीन तीन चार चार विषय से एमएससी करेगा, कोई है? नहीं है। अरे एक विषय से कोई एमएससी करता है, बीएड करता है, टीचर बनता है। तो आप यदि चाहते हो कि एक स्पेशलिस्ट से पढ़ना तो आप उसी टीचर से पेट करा लीजिएगा जो एक विषय पढ़ाता होगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ाता होगा, सामने आकर के पढ़ाता होगा, चोरी छिपे नहीं। चोरी छिपे तो बहुत सारे लोग अगल बगल गाइडें खोल करके रख लेंगे, लिखते जाएंगे उसी में से देखते जाएंगे। बहुत सारे पढ़ाने वाले लोग हम तो यही देख रहे हैं आजकल कि पूरा लिख ले रहे हैं, लिखने के बाद कलम से ऐसे ऐसे आगे आगे पढ़ रहे हैं, जैसे कि कक्षा दो का लड़का फिंगर रख कर के लाइनों पर पढ़ता जाता है कि एक जंगल में एक राजा था, उसके तीन बेटे थे, इस तरह से। ये पढ़ाई है कोई इंटरव्यू के बच्चों के लिए? हैं, ये स्तर है आपके पढ़ने और पढ़ाने का? जरा आप सोचिए, आपको कोई टीचर आपके स्कूल में इस तरह पढ़ाते, फिंगर रख लो, पहले से लिख लो, लिख करके फिर कहो बेटा ऐसे ऐसे हुआ है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ने और पढ़ाने का तरीका हुआ कि चीज़ें आपके सामने आती जाएं, आप उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करते जाएं, उसको लिखते जाएं, समझाते जाएं। आप बेटा गलत चीज़ों में मत फंसिए, सही चीज़ों में इंटरेस्ट लीजिए और सही लोगों के साथ जुड़िए। बाकी आपका भविष्य आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना बेहतर बनाते हो। जीवन में केवल एक बार हाई स्कूल और इंटर पढ़ने का मौका मिलता है और एक बार के इस मौके को आप कई लोगों को टेस्ट करने में अगर गंवा देंगे तो जीवन भर पछताएंगे। अगर पछताना है तो 10 20 50 YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, सबकी वीडियो को दो दो मिनट देख पाओगे, किसी से कुछ बेहतर नहीं सीख पाओगे। और यदि बेहतर बनना है तो स्पेशलिस्ट एक मैथ का, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक इंग्लिश का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर वो फ्री पढ़ाते हैं तो फ्री पढ़ो, पैसे लेकर पढ़ाते हैं तो पैसे लेकर पढ़ो, लेकिन स्पेशलाइजेशन चुन करके आप पढ़िए, तब ज़्यादा बेहतर आपको एजुकेशन मिल पाएगा। नहीं तो बंदर की तरह इस डाल से उस डाल पर कूदते रह जाओगे, लास्ट में बंदर ही कहे जाओगे, ठीक है ना? तो बस मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ, फिर नई वीडियो में मिलेंगे कुछ नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।